नमस्कार, मैं हूं एसएस पांडे। सबकिनेर में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। तुपुरकुला रामनगर मुगरा बादशाहपुर ब्लॉक जौनपुर में स्थित है यह गांव। यहां की ये दुर्दशा है कि यहां के बच्चों को विगत पिछले 15 सालों से लगातार कई हाथ पैर टेढ़े हो जा रहे हैं, कई हाथ टेढ़ा हो जा रहा है, इस तरीके की समस्या बनी हुई है। ये मैं दिखा रहा हूं आपको। इस बच्ची की उम्र लगभग कितनी उम्र है, 18 साल है। इसका पैर आप देखिए, इसका पैर देखिए, हाथ में भी गड़बड़ी है, हाथ भी गड़बड़ है, पैर भी गड़बड़ है, जैसा कि मैं दिखा रहा हूं। इस बच्ची को देखिए, क्या नाम है आपका? रोशनी इसका नाम है। कितने सालों से है ये? ढाई साल। ढाई साल से ये देखिए आप, ढाई सालों से इसके पैर और हाथ। पिछले 15 सालों से इनके पिताजी बराबर इसकी शिकायत दर्ज करा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को, जितने जन प्रतिनिधि हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो। 15 साल से ये अपनी इस दुर्दशा पे आंसू बहा रहे हैं और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 5 साल की ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो पूरे भारत में एक बड़ा संदेश देने की बात कर रहे हैं, एक छोटे से गांव तक शायद वो या उनके लोग क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या कर रही है स्वास्थ्य विभाग, क्या कर रहे हैं ये नेता, विधायक और सांसद, जिनको जू नहीं रेंग रहा है। उस पूरे गांव में 15-15 लोग ऐसे पीड़ित हैं, किसी के हाथ पैर टेढ़े हो जा रहे हैं, इस तरीके से दुर्दशा पर अपनी जिंदगी बिता रहे। इनके पिताजी भी यहां मौजूद हैं। ये सभी आज चल करके आए हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुगरा बादशाहपुर। इनके पिताजी यहां मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या समस्या है ये बताइए आप। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। राधेश्याम, ये बताइए कब से ये सब प्रॉब्लम है? ये सर हमारे यहाँ 15 साल से चल रहा है। 15 साल से? जी सर। तो कोई सुनने वाला नहीं है? जहाँ जहाँ गया सर, हाँ बोल दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की, किसी ने कुछ किया, कोई नहीं किया। तो ये बराबर ऐसे ही होता जा रहा है, ऐसे होता चला जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। कभी यहाँ के स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने या कभी जिले के स्वास्थ्य विभाग ने कभी इस पर सुध नहीं लिया, कभी कोई कार्रवाई के नाम पर कुछ किया नहीं? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं, जब एक जगह जो कहा गया, नहीं सुनवाई हुई, तो मैंने शांत हो गया कि हम गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। ये दुर्भाग्य है, गरीबी अभिशाप है। इस हिंदुस्तान की धरती पर गरीबी अभिशाप है। कहने के लिए गरीबी को दूर करने की बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े जतन, बड़े बड़े निधि, बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार बात करती है, और योजनाओं के नाम पर कहीं कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बंदरबांट हो रहा है। अभी आप बता रहे थे कि आवास, इन लोगों के नाम से जो आवास आवंटित हुआ उसमें क्या हुआ बताइए, कितना पैसा खाया प्रधान ने बताइए? प्रधान 20,000, 22,000, 25,000 जिससे जितना पैसा लूट खाया गया। आपसे कितना पैसा लूटा है? उनके कार्यकाल में तो हमारी आवास नहीं आई थी, भाई की आई थी, जिसमें एक में 25 खाए, एक में 20 खाए, एक में 30 खाए। प्रधान के द्वारा जो योजनाएं गांव तक पहुंचती हैं उसमें भी एक बड़ा बंदरबांट है। अगर इसकी जानकारी वाकई में सरकार कहती है कि हम बहुत गंभीर और ईमानदार हैं, तो इसकी जांच कराए। कहीं न कहीं यहां से लेकर के जिले तक के सभी अधिकारी इसमें मिलीभगत करके पैसों का बंदरबांट करते हैं, जिसके वजह से सरकार की जो एक बड़ी योजना है वो इन तक नहीं पहुंचती है। शायद इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। ये पूरे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती दे रहा है ये दुर्व्यवस्था, जहां पर ये बच्चों का हाथ पैर पूरी तरीके से विकलांग की व्यवस्था में आता जा रहा है। इनके बाप की जिंदगी इतनी दर्द भरी है। इन्होंने कहा कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन बच्चों को जहर दे दूं और मैं पूरी जिंदगी, पूरे परिवार की मेरी समाप्त हो जाए, क्या करूंगा ऐसी जिंदगी को जी करके, जहां पर सरकार हो या व्यवस्था, कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं है। धन्यवाद।